कस्बा के बुडेरा मार्ग पर ट्रक से ई रिक्शा उतारते समय एसटी लाइन की चपेट में आने से नाबालिग लड़के की मौत होने का समाचार प्रकाश में आया है। किशोर की मौत से ई रिक्शा एजेंसी संचालक मौके से भाग गए हैं। घटना से मृत परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि कस्बा के महोबा रोड ज्ञान गंगा कॉलोनी निवासी शहीद मंसूरी का 16 वर्षीय पुत्र साहिल गरीबी के चलते अपना और अपने परिजनों का भरण पोषण करने के लिए बुडेरा मार्ग पर ई रिक्शा एजेंसी में काम करता था। रोज की तरह आज बुधवार को वो प्रातः एजेंसी गया था। इस बीच ट्रक में ई रिक्शा आ गए और उन्हें ट्रक से उतारने के लिए मालिक द्वारा कहा गया। नाबालिग लड़का साहिल ट्रक पर ऊपर चढ़कर ई रिक्शा उतार रहा था। इसी बीच ट्रक के ऊपर से निकली बिजली की एसटी लाइन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। करंट लगते ही वो ट्रक पर सचेत होकर गिरा। ये देखकर हड़कंप मच गया। आनन फानन में किशोर को इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने देखकर साहिल को मृत घोषित कर दिया। मौत की पुष्टि होते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। मौजूद लोगों ने परिजनों को संतावना दी। परिजन एजेंसी मालिक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर उत्तेजित हो गए हैं। मौजूद क्राइम निरीक्षक व एसआई ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया और उनके आक्रोश को कम कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा है। और करंट लगने की बताया था कि करंट लगा बच्ची को। बच्ची की पोस्टमार्टम के लिए पुलिस सूचना ले ली गई है। पुलिस भी कुछ समय में आकर अनुभवी को ले ली। आपका हरमनी मेडिकल ऑफिसर सी एस सी पलवाड़ी। ठीक सर।